नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू अर्न बाय क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग से आप अर्न कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है जो न्यू लर्नर्स हैं। ठीक है, जो बेसिक क्रिप्टो ट्रेडिंग टर्म्स हैं वो हम आप आज आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज़ बिटकॉइन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है एक्चुअली में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, जब तक आप बेसिक्स का पता नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रेडिंग्स नहीं आएंगी, और इन सब को जानने के लिए आप क्रिप्टो राठौर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विद योर एक्सपर्ट मेंटर। ठीक है, चाहे आपका एक्सपर्ट मेंटर कोई भी हो, आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र कोई भी हो, अगर कोई नहीं है तो हम आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आप लर्न कीजिए क्रिप्टो राठौर यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉइन आते हैं गाइज, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, हर करेंसी में यह होता है या नहीं, और फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्रिप्टो ट्रेडिंग टर्म्स कैसे काम करती हैं वो आपको पता होना चाहिए। किस कॉइन को आप बाई करोगे, किस कॉइन को होल्ड करोगे, कब आपको बाई करना है और कब आपको सेल करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है आपके पास कॉइन जो है वो कब पंप करता है, कब डंप करता है, और जो कॉइन का प्राइस है वो कब अप होता है और कब डाउन होता है और क्यों होता है, उसके बीच में आपको जानकारी बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है कि होते हैं। तो वो कारण है रोड मैप, जब कोई इम्प्रूव होता है किसी भी कॉइन का, या कोई एयर ड्रॉप होता है किसी भी कॉइन के बराबर दूसरा कॉइन आपको मिलेगा उसके रेशियो के हिसाब से, या किसी कॉइन का न्यू वर्जन रिलीज होता है, या फिर उसका जो ब्लॉक साइज है वो इंक्रीज होता है, उसका जो साइज़ है वो MB में इंक्रीज होता है सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए, फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। और समटाइम्स ये होता है कि क्रिप्टो मार्केट बुलिश हो जाती है, क्रिप्टो मार्केट रेड क्यों होती है, क्रिप्टो मार्केट ग्रीन क्यों होती है, और जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग है उस टाइम आपको होल्ड रखना पड़ेगा, जो भी आपकी टेयरिंग होल्ड है, टेयरिंग होल्ड का मतलब आपको जो ट्रेडिंग है वो होल्ड रखना पड़ेगा उसके दौरान, और आपको कौन सा कॉइन बाई करना है और कैसे बाई करना है इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉइन को आप शॉर्ट ट्रेडिंग में रखेंगे, कौन से कॉइन को आप लॉन्ग ट्रेडिंग में रखेंगे, और कुछ डे ट्रेडिंग होता है, तो इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए गाइस। और अगर आप इन सब बातों की जानकारी नहीं है तो आप किसी क्रिप्टो एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं। बिना देखे सोचे समझे आप क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है गाइज। और क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो 100% रिस्क है गाइज, और 100% प्रॉफिट भी है, फास्टेस्ट प्रॉफिट भी किसी में नहीं है। बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं गाइज। ठीक है, तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहिए। ठीक है गाइस, तो क्रिप्टो राठौर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे वो इससे रिलेटेड रहेगा कि आपको जो ट्रेडिंग सीखनी है उसके द्वारा आपको और क्या क्या करना